हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा भविष्य में निजी स्कूलों को पॉलिसी लेवल के तहत स्वायत्तता दी जाएगी, जिसमें स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की क्वालिटी और बहुत सारे मुद्दे हैं, स्कूलों में ग्राउंड है या नहीं, अन्य व्यवस्थाएं हैं या नहीं, उनका अध्ययन करके ही फैसला लिया जाएगा। ये बात स्कूल शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कार्यभार संभालने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कही। बोर्ड में स्टाफ की कमी का अध्ययन किया जाएगा, कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव हो गया है तो विचार विमर्श करके भर्ती की आवश्यकता होगी तो सरकार से बात की जाएगी। नकल रोकने के लिए मुझे शिक्षकों पर विश्वास है, मैं शिक्षक पर नकल रोकने का कार्य छोड़ता हूं, मैं शिक्षकों से नकल रोकने का आह्वान करता हूं। परीक्षा मूल्यांकन व पाठ्यक्रम पर फोकस रहेगा, विशेषकर पाठ्यक्रम में क्या सुधार किया जा सकता है, पाठ्यक्रम को भारतीय दृष्टिकोण से कैसे बनाया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाएगा। परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, बेहतर परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए व्यवस्था की है और क्या गंभीरता से सोचने की बात है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। मूल्यांकन में शिक्षक संगठनों से बात आई है वो मेरे ध्यान में है, इस बारे में बोर्ड अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई है और ना ही अध्ययन किया गया है, चर्चा उपरांत ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। स्टूडेंट एसोसिएशन बारे जो भी निर्णय होगा वो भी लिया जाएगा। पाठ्यक्रम के बदलाव कोई निष्कर्ष नहीं है कि बदलाव करना है, इसमें सुधार किया जा सकता है और सुधार की गुंजाइश बहुत है, इस बारे में कई शिक्षकों से बात हुई है। कई पाठ्यक्रम इतने हैवी हैं कि बच्चे उनका भार सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में बच्चों को प्रैक्टिकल लेवल की एजुकेशन कैसे दी जाए, इसका अध्ययन किया जाएगा। परीक्षा संचालन संबंधी सभी मानकों का अध्ययन किया जाएगा, सभी जिलों का दौरा किया जाएगा, शिक्षकों प्रिंसिपलों पर डिप्टी डायरेक्टर से बात की जाएगी, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, वर्तमान में बच्चों में कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, मोबाइल यूज बढ़ रहा है, इस लत से उन्हें हटाया जाएगा, इस पर कार्य किया जाएगा। इस बारे में जहां तक कार्य करना होगा मैं करूंगा और सरकार को सुझाव देना पड़ेगा तो दिया जाएगा, शामिल होगा। अब देखिए वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि अगर बच्चों को देखें उनमें कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, कैसे इस लत से उन्हें हटाया जाए, वो एक्टिविटी बेस्ड कैसे किया जाए, तो ये जहाँ जहाँ मेरे मामले होंगे वहाँ मैं करूँगा, जहाँ जहाँ सरकार के मामले होंगे सरकार को सुझाव देंगे और उनको कैसे आत्म संयमी बनाना, पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के बारे में उनके जानकारी प्रैक्टिकल रूप में हो, अनुशासन भी प्रैक्टिकल रूप में उनमें आए, केवल किताबों में अनुशासन ना पढ़े, कहानियों के माध्यम से अनुशासन सीखे और एक्टिविटी के माध्यम से अनुशासन सीखे, ये फोकस रहेगा। ये मेरा विशेषकर चेयरमैन बोर्ड का ये विषय है, पर लेकिन मैं केवल इसमें फैसला कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, इसमें सरकार और बहुत ज्यादा मशीनरी इन्वॉल्व है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। सर, निजी शिक्षण संस्थान जो बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं उनमें और ज्यादा सुधार लाने की, या जहाँ पे अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और बोर्ड से उन्होंने किसी भी ढंग से संबद्धता प्राप्त कर रखी, ऐसे शिक्षण संस्थानों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? अभी तक जो संबद्धता मिल गई है तो संबद्धता के संदर्भ में उनका अध्ययन मैं वर्तमान में तो कुछ नहीं करूंगा क्योंकि अभी परीक्षा का संचालन होगा, लेकिन आगे जो जितना भी संबद्धता दी जाएगी एक पॉलिसी लेवल के तहत दी जाएगी, उसमें पॉलिसी लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, पॉलिसी लेवल में रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स भी इन्वॉल्व है, पॉलिसी लेवल में टीचर की क्वालिटी भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रख के ही सारा काम करेंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेग्राउंड है, ऐसी सारी व्यवस्था उनके पास है, उसके आधार पर फैसला किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। बदलाव की बात जो, ये कोई निष्कर्ष नहीं है कि बदलाव करना है, इसमें सुधार और सुधार की गुंजाइश बहुत है। मैंने कई अध्यापकों से बात की है, वो चाहते हैं सुधार होना चाहिए और कई बार पाठ्यक्रम जो है इतने हैवी हैं तो वो उनका भार सहन नहीं कर पाते, छोटे छोटे शिशु और बच्चे, तो उनके लेवल का उसे प्रैक्टिकल लेवल की एजुकेशन कैसे बनाई जाए, पहले अध्ययन होगा, व्यापक अध्ययन करने के बाद पर्याप्त अध्ययन शिक्षकों से भी हो जाए और सरकार और बाकी एकेडमिक कमेटीज में इन मामलों को लिया जाए, क्या निष्कर्ष निकलता उसकी बातें। सर, परीक्षा संचालन जो बोर्ड का मुख्य कार्य है उसकी गुणवत्ता लाने के लिए आप क्या कदम उठाने की प्रक्रिया अपनाएंगे? परीक्षा संचालन में नंबर एक के स्टूडेंट्स के सारे एडमिट कार्ड पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं, वहां पर जो पेपर
पेपर्स हैं पहुंच गए हैं कि नहीं है, सिक्योरिटीज और पेपर हुई है कि नहीं है, क्या वहाँ पर सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारे इन मानकों के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। और मैं जाऊंगा जिला जिला में जाऊंगा, टीचर से बातचीत करूंगा, प्रिंसिपल महोदय से बातचीत करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर से बात करूंगा, डिप्टी डायरेक्टर महोदय से बातचीत करूंगा। समन्वित प्रयास और सबसे बड़ा प्रयास यदि शिक्षा इसमें संचालन के लिए परीक्षा के संचालन के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है तो मुझे आशा है विश्वास है अध्यापक ही कर सकते हैं।